हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए हैदराबादी स्टाइल चिकन बिरयानी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर में 1 लीटर पानी ले लिया है। इसके बाद में मैं इसके अंदर कुछ ये ड्राई मसाले हैं इनको ऐड करूंगी। 3 से 4 हैं ये तेज़पात के पत्ते, और 1 चम्मच है जीरा, 2 चम्मच है इसमें धनिया, और इसके बाद में 2 चम्मच है ये सौंफ। तो इन सबको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसके साथ ही मैंने लिया है इसमें खड़ा लहसुन, ये 2 पीस हैं, इसको भी हम ऐसे डाल देंगे। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज, मैंने इनको कट कर लिया है, 1/2 पीस किया है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर लूँगी 2 टेबल स्पून नमक, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है 1 किलो चिकन, इसको मैंने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है। तो अब इसको भी इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसकी जो यखनी बनानी है ना, वो इसी तरीके से बनानी है। सारे हमें ड्राई मसाले हैं, सारे सूखे मसाले हैं इसमें ऐड करने हैं, और चिकन को इसके अंदर डाल के पकाना है। अब इसके बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे, फिर हम इसमें 1 से 2 सीटी लगाएंगे। चिकन है, ज़्यादा नहीं गलाना है, 2 सीटी में ही लगभग गल जाता है सही से। तो इसे हम गैस की हाई फ्लेम पर सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर जो मसाला यूज़ करेंगे हम, तो सबसे पहले लिया है मैंने 1 चम्मच सौंफ, 15 से 20 का लिया है लहसुन की, और अदरक लिया है 1/2 से 2, और उसके बाद में मैंने लिया दालचीनी के टुकड़े, और ये जावित्री केसर है। इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मसाला कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मैंने इसमें तैयार कर लिया है। इसके बाद में ये देखिए चिकन हमारा बॉईल हो गया है, इसको हम चला के दिखाएंगे। तो इसकी यखनी इस तरीके से तैयार हो गई है। इसको हमें इतना ही गलाना है, ज़्यादा गलाएंगे तो इसके पीसेस हम बिखर जाएंगे। तो इसके पानी को हम अलग निकाल लेंगे और इसके पीसेस को अलग निकाल लेंगे, क्योंकि इसका पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद चलिए अब हम बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक देग ली है, उसके बाद में इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके साथ में मैंने लिए हैं ये कुछ ड्राई मसाले हैं, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और काली मिर्च, और तेज़पात के पत्ते। तो ये हमने तड़का लगाने के लिए इसमें यूज़ करेंगे इसको। तो ये इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद में मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको बारीक कट कर लिया, इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ये इसको गोल्डन कलर देना है, अच्छे तरीके से इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें चलाना है अभी, और क्योंकि अभी हल्का हल्का इस पर कलर नहीं आया है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए तो हल्का हल्का ये गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज हमारा। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मसाला बनाया था, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसके बाद में इसे हम अच्छे से चला लेंगे, इसे भी अच्छे से भूनना है, अच्छे तरीके से इसे हम फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च। इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसको भी हम अच्छे से इसमें चला लेंगे। तो ये मसाला भी इसके अंदर हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और फिर इसके साथ मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच नमक, इसे हम अच्छे तरीके से चलाएंगे। इसके बाद में जो मैंने इसमें चिकन लिया हुआ था, बॉईल किया हुआ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको इसमें भूनना है 1 से 2 मिनट तक मसाले के अंदर। तो इसे हम इसमें चला लेंगे। इसके बाद में इसमें जो इसका पानी निकला हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये पानी इसका अलग ही स्वाद आता है, तो इस पानी को भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चला के छोड़ देंगे बॉईल होने के लिए। इसके बाद में जो मैंने ये बिरयानी वाले चावल लिए हैं, इसको धोकर अच्छे से मैंने भिंगो लिया है। तो ये देखिए चावल अच्छे तरीके से भींग गया है। अब मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए सारे के सारे चावल इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब इसको इसी तरीके से हमें चलाते रहना है। इसके बाद में क्योंकि पानी में उबाल आएगा, फिर हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे दम पे। तो ये देखिए इसके बाद में
मैं इसमें यूज़ करूँगी टमाटर मीडियम साइज़ का 2 और हरी मिर्च, और ये मिर्च वाला अचार है वो बिरयानी में यूज़ होता है, तो इससे इसमें कुछ अलग ही फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैं इन सबको ऊपर से डालूँगी और इसे अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद ये मैंने लिया है केवड़ा जल, इसे हमने 1 चम्मच के लगभग इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इन सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे जिससे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसको हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे करीब 15 मिनट तक, इसे हम बंद करके ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद में हम इसको एक बार खोलकर चेक कर लेंगे, तो बिरयानी हमारी कुछ इस तरीके से सेट हो गई है। फिर भी अभी हल्का सा ही टाइट है चावल, मैं इसे 5 मिनट और दम पर छोड़ दूंगी ढक्कन लगाकर। तो ये देखिए, खोल के देखा है तो बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम अब ये फूड कलर लिया है मैंने, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे फिर हम गैस बंद कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद बिरयानी हमारी इस तरीके से तैयार हो गई है। इसको हम अब चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा इसमें एक अलग ही कलर आया है, बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। तो अब लीजिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारी हैदराबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो इस तरीके से बनकर तैयार होती है। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिए और इसका स्वाद कैसा है मुझे है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही यम्मी लगती है खाने में, हैदराबादी स्टाइल। तो आप इस तरीके से बना के देखिए। ये मैंने इसके साथ में टमाटर की चटनी यूज़ की है, थोड़ा साइड में बाउल हो गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए ज़बरदस्त, और इसके साथ में आप टमाटर की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, दही की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।